यार सुबह ही सुबह मेरे को कॉल आया पुलिस स्टेशन से कि सर आप जल्दी से आ जाओ। वैसे देखो पुलिस स्टेशन से हमेशा कॉल आता रहता है मेरे को, क्योंकि भाई मैं हूँ पुलिस स्टेशन का चीफ। और भाई मेरे को अर्जेंटली क्यों बुला रहे हैं मेरे को खुद नहीं पता। अब भी देखो मैं अपनी वाली कार नहीं लेके आया, क्योंकि मेरी कार पुलिस स्टेशन में ही खड़ी हुई है। मैं ना ये नॉर्मल कार लेके आया हूँ। और वेट, ये किसकी कार से भाई? इन लोगों ने मेरे को ये नहीं बताया था कि कोई आने वाला है यहाँ पर, बस ये बोला कि सर आप जल्दी से आ जाओ। और ये क्या भाई, यहाँ पर ये दो तीन कार्स तो FIB वालों की, और जो बीच में खड़ी है वो किसकी कार है? इसके ऊपर वेपन लगा हुआ है भाई। मेरे को ना ये कार ऐसी लग रही है प्रेसिडेंट जैसी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने प्रेसिडेंट के पास ऐसी कार देखी थी। मैं यार अंदर जाके देखता हूँ आखिर कौन है। जो और कार है वो तो FIB की है, वो तो पक्का है ही। और ऑफिसर अंदर कौन है? अरे सर आपका वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, प्रेसिडेंट अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वेट, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे कुछ नहीं पता मेरे को, पता नहीं अर्जेंट काम बोल रहे थे। उन्होंने बोला अपने पुलिस चीफ को बोला उन्हीं से बात करनी है और ऑफिसर से बात नहीं करनी। ठीक है भाई मैं जाता हूँ अंदर बात करता हूँ। आखिर ऐसा क्या है कि प्रेसिडेंट को लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आना पड़ा? सर क्या बात हो गई? अरे ऑफिसर ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, बट मेरे को ना एक अननोन नंबर से कॉल आया था और वो ना मेरे को धमकी दे रहा मारने की। वो बोला आज तो मैं मार डालूंगा मैं। सर ऐसे फेक कॉल्स तो आते रहते हैं ना, आप चिंता मत करो हम उसे ढूंढ कर पकड़ लेंगे। पर कैसे पकड़ोगे, ना तो उसका कोई नाम है ना कुछ एड्रेस वगैरह है, और उसका नंबर भी अननोन है, और अननोन नंबर ट्रेस नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो सर, अननोन नंबर हम ट्रेस कर सकते हैं ना। मैं बात करूंगा बाहर जाके, रुको अभी बात करके आता हूँ मैं। अरे पहले मेरी बात सुनो, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, तो प्लीज़ मुझे बचा लो यार। सर आप ऐसी चिंता क्यों कर रहे हो यार, ऐसे अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, आपको आज नया नहीं आया? बहुत लोगों को आते हैं, वो बस ये सोचते हैं कि कैसे भी कैसे करके हम इसके साथ स्कैम कर ले, बट आपके साथ स्कैम नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अरे बट फिर भी उसकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा डरावनी थी, और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर मैं बात बात करके आता हूँ, मैं उस नंबर को ट्रेस करवा दूँ पहले। ऑफिसर यार एक अननोन नंबर ट्रेस करना है, फटाफट से ट्रेस कर दो। अरे सर हमारे यहाँ अननोन नंबर ट्रेस नहीं होता। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे हाँ सर, अननोन नंबर ट्रेस करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस नहीं है। भाई पुलिस स्टेशन में डिवाइसेस नहीं है यार, तुम कैसे काम करोगे फिर? अरे सर क्या करें, ये गवर्नमेंट ही ऐसी है। अच्छा मैं अंदर जाके बोलता हूँ। सर ऑफिसर से मैंने बाहर पूछा तो वो तो मना कर रहे हैं ट्रेसिंग की, बट FIB वाले कर सकते हैं ना शायद? अरे FIB वाले नहीं कर सकते भाई, हमने करके देख लिया, हमसे नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं सर? अरे तुम कुछ भी करो बट अब जल्दी से करो, क्योंकि मेरे को वो बंदा चाहिए जिसने मेरे को कॉल किया था। ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ। फिर मुझे ना डिपार्टमेंट से हट के अपनी पर्सनल सोर्स लगानी पड़ेगी। अरे बस तुम मेरा काम कर दो यार, उस बंदे को ढूंढ के निकालो जिसका ये अननोन नंबर है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। अच्छा सर गिफ्ट दोगे? हाँ हाँ, चाहे तुम अपनी सोर्स लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, तुम्हें फुल पावर है आज के लिए। अच्छा सर मेरे को फुल पावर है, मतलब कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना? अरे कुछ भी का मतलब क्राइम वगैरह नहीं करना है, क्योंकि तुम पुलिस चीफ हो, तुम्हें ना मेरी मदद करनी है। ठीक है सर आपका काम हो जाएगा, बस आप चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। आपको जो डरा रहा है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस अभी ना अपनी सोर्स का मतलब है एक बंदा जो कि मेरी हेल्प कर सकता है, और वो है लेस्टर। भाई लेस्टर ना किसी भी नंबर को ट्रेस कर सकता है, चाहे वो अननोन हो या फिर नोन हो। अभी मैं वो वाली कार लेके नहीं जाने वाला, अभी मैं निकालने वाला हूँ अपनी स्पीड वाली कार, मतलब कि मर्सिडीज AMG, जो कि पिछली बार ट्रेवर ने हमें गिफ्ट करी थी। तो भाई देखो क्या ही मस्त लग रही है, मैं इस कार को यहीं पर पार्क कर जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे घर के सामने से कोई भी चुरा सकता है, और नॉर्मल पुलिस की कार को कोई नहीं चुराता, इस वाली कार को शायद चुरा सकते, इसलिए मैं लेके नहीं जाता। तो अभी मैं इसे भगाता हूँ और चलता हूँ सीधे लेस्टर के घर पे, और लेस्टर से बात भी करूँगा भाई, उससे बोलूँगा भाई प्लीज़ यार प्लीज़ मेरा एक अननोन नंबर ट्रेस कर दे, चाहे कितने पैसे ले लूँ, क्योंकि भाई लेस्टर ना फ्री में काम नहीं करता हमारा आजकल। पहले तो बहुत सारे काम फ्री में कर देता था, बट आजकल पता नहीं क्या ही हो गया लेस्टर को, एक भी काम फ्री में नहीं करता और बोलता रहता है तुम तो पुलिस चीफ बन गए हो, हमारी हेल्प नहीं करते बिल्कुल भी। बट अब मैं उन्हें क्या ही समझाऊं कि मैं गवर्नमेंट के साथ कैसे फ्रॉड कर सकता हूं, बट मैं फिर भी उनके छोटे मोटे काम करा ही देता हूं, बट कोई नहीं आ रहा, बहुत हो गया। अभी मैं फटाफट से लेस्टर के घर पर चलता हूं और उससे बात करता हूं कि मेरा काम कर देगा तो मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। वैसे देखो भाई मैं जो अमाउंट बोलूंगा वो तो वो लेगा नहीं भाई साहब, अपना ही अमाउंट बताएगा, और 1 करोड़ से नीचे तो बोलेगा ही नहीं, मुझे पक्का पता है। भाई बहुत ज़्यादा हराम ही हो गया लेस्टर आजकल, पहले तो कुछ नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम जैसे ही आते थे ना उसके पास,
वो पूरा काम हमें तुरंत करके दे देता था, बट अभी यार हमारे सारे दोस्त ऐसे हो चुके हैं। साइमन भी है, माइकल भी है, और ट्रेवर तो थोड़ा सा अच्छा है। ट्रेवर हमारी हेल्प कर देता है, बट माइकल हमारी हेल्प कभी नहीं करता। माइकल हमेशा जब भी हेल्प करता है तब उसे प्रॉफिट मिले, और बिना प्रॉफिट के वो कुछ नहीं करता। अभी हम लेस्टर के घर पे आ चुके हैं, तो फटाफट से मैं यार इसके घर के अंदर चलता हूँ। क्या पता है अभी या नहीं। लेस्टर तू घर पे है ना? थैंक गॉड लेस्टर घर पे है। लेस्टर भाई मेरे को तेरे से एक हेल्प चाहिए। अरे बोला बोला क्या हेल्प चाहिए भाई? यार एक अननोन नंबर ट्रेस कराना है। अरे अननोन नंबर ट्रेस कराना है? अच्छा, कोई सिंपल नंबर होता तो मैं ट्रेस कर देता अपने पीसी से, बट अननोन नंबर के लिए मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं भाई, कैसे करूंगा ट्रेस उस नंबर को? अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बंदा है जो कि लॉस एंजेलोस के बाहर रहता है, उसके पास बहुत तगड़े तगड़े डिवाइसेस हैं, वो अननोन नंबर को ट्रेस कर सकता है। तो फिर उसे कॉल लगाओ और बोलो। अरे बट वो फ्री में काम नहीं करता, वो लेगा पूरे 10 करोड़। क्या बात कर रहा भाई, 10 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा आदमी है, क्योंकि ये अननोन नंबर है, और वो तुम्हें लोकेशन भी देगा उस बंदे की। ठीक है भाई, लोकेशन वोकेशन दे देगा। और भाई चल ठीक है, मैं तुझे 10 करोड़ दे दूंगा, अभी तू काम करा फटाफट से। हाँ हाँ मैं उस बंदे को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि जल्दी से काम पर लग जाओ। हाँ भाई जल्दी बोल उससे, और मुझे आज के आज ही चाहिए, आज क्या बल्कि अभी चाहिए। अरे ठीक है मैं करता हूँ, बस तुम पेमेंट कर दो। ठीक है भाई मैंने पेमेंट कर दिया, मुझे पता था तू पेमेंट की पहले बोलेगा, इसीलिए मैंने अभी तुरंत पेमेंट कर दिया है। तू बस ट्रेस करवा नंबर को, तब तक मैं बाहर घूम के आता हूँ। तो भाई मुझे पता था कि ट्रेस करने की ये पैसे लेगा, और भाई इसमें से कमीशन भी खाएगा, ये बहुत ज़्यादा हरामी हो गया लेस्टर भी। अभी देखो लेस्टर के घर पे कितने सारे कैमरे लगे हैं भाई, यहाँ पर भी लगा रखे हैं, बाहर भी लगा रखे हैं। यार पता नहीं छोटे से घर में इतने सारे कैमरास का क्या ही काम है, बट कोई नहीं, अपनी सेफ्टी हर कोई रखता है। हमारा इतना बड़ा घर है बट सिंगल कैमरा भी नहीं है हमारे घर पर। मैं चारों तरफ देख के आता हूँ भाई कहाँ कहाँ कैमरास लग रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेकार घर हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराना भी हो चुका है। मैंने लेस्टर से बहुत बार बोला है कि कोई नया सा घर खरीद ले, हमारी साइड आ जा, हमें इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस लेस्टर बोलता है कि ये मेरा बहुत पुराना घर है, मेरी सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से, तो मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई मत छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, बस तू हमारा काम कर दे। भाई अभी हो गया क्या लेस्टर भाई, ट्रेस हो गई है लोकेशन? हाँ भाई ट्रेस हो चुकी है, तुम्हारा काम उसने बहुत ज़्यादा आसानी से कर दिया है। वो और बता भाई उसकी लोकेशन कहाँ पर है? अरे उसकी लोकेशन है बीच पर, लॉस एंजेलोस का जो बीच है ना वहीं पर है वो बंदा। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ उसी बीच पर ही है वो बंदा, और अब तुम जाओ फटाफट से उस बंदे को पकड़ो। ठीक है भाई मैं तो चला ही जाऊँगा, बट इतना सा ही ना, और कोई उसकी इन्फॉर्मेशन मिली क्या, उसका नाम क्या है और कहाँ से है वो? अरे और कुछ तो नहीं मिला, उसकी लोकेशन ही मिली है। ठीक है भाई तुझे इतना मिल गया बहुत है, अभी मैं बीच पर जाकर उसे पकड़ता हूँ, बट मेरे को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बीच से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। तो मैं ना अपने पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देता हूँ जो कि मेरे साथ ज़्यादा रहता है, उसका ही नंबर है मेरे पास, तो भाई उसे कॉल कर देता हूँ और उसे बोल देता हूँ कि फटाफट से अपनी पुलिस टीम को लेके पहुँचो बीच पर, क्योंकि जो अननोन नंबर था वो ट्रेस हो चुका है और वो बंदे की लोकेशन हमें मिल चुकी है। और भाई उसे कॉल करता हूँ फटाफट से, बस यहाँ से थोड़ी सी कार निकल जाए। भाई साहब मैं ना बीच पर बस पहुँचने वाला हूँ, मैंने उसे कॉल कर दिया था भाई, उस बंदे को पकड़ के ना यहीं पर सूद दूंगा, बट मेरे को ना प्रेसिडेंट को भी दिखाना है। प्रेसिडेंट बोल रहे थे मेरे को उस बंदे को ज़िंदा देखना है पहले, तो कि वो कौन सा बंदा है जो मेरे को धमकी दे रहा है मारने की, और आज ही मारने की। भाई साहब मैं बीच पर तो आ चुका हूँ बट मेरे को ऐसा कोई बंदा नहीं दिख रहा। लेस्टर ने ये भी बताया था कि वो बंदा एक कार में है, भाई कार मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और मेरे को कोई भी पुलिस की कार्स भी दिखाई नहीं दे रही है। भाई हमारी टीम पहुंची नहीं है क्या बीच पर, या फिर हम गलत आ गए? वेट गाइस, अभी ना मेरे को कॉल आया था और वो बोल रहे हैं कि बीच के नीचे एक ब्रिज गया है ना, उसके अंदर वो बंदा मिल चुका है, और उस बंदे ने थोड़ा सा अटैक भी किया था हम पे, तो हमने उसका इनकाउंटर कर दिया है। बट यार इन लोगों ने क्यों किया, हमें प्रेसिडेंट को वो बंदा दिखाना था आखिर कौन सा बंदा है, लोगों ने इनकाउंटर भी कर दिया। ऑफिसर क्या हो गया? अरे सर इस बंदे का इनकाउंटर कर दिया हम लोगों ने, बट ये कार कैसे ब्लास्ट हो गई? अरे इसने जाल बिछा रखा था, इसमें बॉम्ब लगी थी, और हम जैसे पहुंचे ये ब्लास्ट हो गई, वो तो अच्छा है हम बच गए, और ये बंदा तो भाग रहा था, हमने इसे शूट आउट कर दिया। ठीक है भाई बट ये लॉस गैंग का बंदा है। हाँ भाई ये वैन भी लॉस गैंग की है। ऑफिसर यार तुमने ऐसा क्यों किया?
अरे सर क्या करते, वो हम पे अटैक करा था। ठीक है भाई, बट लॉस्ट गैंग प्रेसिडेंट को क्यों धमकी देगी यार? भाई दे भी सकती है, बहुत ज्यादा हरामी गैंग है। हमने तो भाई इसके साथ बहुत ही ज्यादा फाइट करी है, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, इससे भी ज्यादा फाइट करी है। और भाई अभी मैं प्रेसिडेंट को ना कॉल कर देता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा भी खत्म हो ही चुका है, तो अब क्या कर सकते हैं। और अभी ना मेरे पास प्रेसिडेंट का नंबर तो नहीं है, बट जो ऑफिसर वहां पर घूम रहे हैं ना अंदर, उनका नंबर है। और मैंने उसे बोल दिया है कि आप प्रेसिडेंट को फटाफट से यहाँ पर भेज दो, यहाँ पर वो बंदा मिल भी चुका है। तो गाइस फाइनली यार प्रेसिडेंट आ चुके हैं। सर वो बंदा मिल चुका है, और भाई इन ऑफिसर्स ने उसका इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वो भाग रहा था और इन पर अटैक भी कर रहा था। अरे ऑफिसर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हुआ, अगर ये बंदा हमसे छूट जाता ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है सर, और आप अभी सेफ हो। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन। अरे सर आपको मेरा नाम पता है? अरे हाँ मुझे तुम्हारा नाम पता है पहले से ही, मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनने से पहले से जानता हूँ। अच्छा सर कोई बात नहीं यार, ये पहचान तो नहीं गया, मैंने इसके घर में चोरी भी की थी एक बार, बट कोई नहीं। अरे फ्रैंकलिन रुको रुको यार, मेरे को तुमसे बात करनी है। सर क्या हो गया? अरे मैंने कुछ बोला था तुमसे। हाँ सर बोला तो था कुछ कि प्राइज मिलेगा मुझे उस बंदे को ढूंढ लूँगा तो। हाँ तो तुम्हारा प्राइज तुम्हें मिल जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह खरीदी है, और वो ना तुम्हारे घर वाले रोड से सीधे सीधे जाकर ही पड़ेगी, तो तुम फटाफट से वहाँ चले जाना और तुम देख लेना कैसी जगह है वो। अच्छा सर ठीक है, मैं चला जाता हूँ अभी वहीं पर। वैसे प्रेसिडेंट ने कौन सी जगह दी होगी मुझे? कोई घर है या फिर कोई प्लॉट है, पता नहीं क्या है, बट मेरे को जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली मेरे से नहीं बोल सकता कि मेरे लिए क्या ख़रीदा है, बस प्रेसिडेंट ने ये बोला कि तुम्हारे लिए एक जगह खरीद ली है, तो मैं जाकर देख ही लेता हूँ आखिर कौन सी जगह है। और इसी रोड पर है जो कि मेरे घर के साइड से गया है। और ये वेट, यहाँ पर तो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं ना, प्रेसिडेंट ने इस थिएटर के पास ही हमारे लिए कोई जगह देखी है। भाई मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा, वो जगह ना बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। वो प्रेसिडेंट ने बताया था कि किसी मोड़ पर पड़ेगी वो जगह, बट मेरे को अभी कोई भी टर्न नहीं दिख रहा। ओ वेट, एक टर्न दिख तो गया, और सामने क्या ही मस्त घर बन रखा है, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, शायद से यही घर है। भाई यार प्रेसिडेंट ने इनडायरेक्टली बोला था कि जगह ढूंढ रखी है और ख़रीद भी लिया है, और भाई ये है वो घर जो कि प्रेसिडेंट ने हमें गिफ्ट किया, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को अंदर जाके देखना पड़ेगा। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है ये तो, और भाई कितना ज़्यादा लग्जरी लग रहा है इस गेट के अंदर, आखिर है क्या। वेट, बाथरूम भी इतना ज़्यादा लग्जरी है, मतलब यार ये ना हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि आज तक हमें ना इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। देखो एक ये है बाथरूम, और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा तगड़ा आता है। अभी रूम भी देख लेता हूँ, एक बार रूम दिख जाए ना फिर मज़ा आ जाएगा। ये अपना वार्डरोब है, और अंदर जाके रूम देखते हैं। और वेट गाइस, यार सारा सीन दिख रहा है यहाँ से तो, सब कुछ माउंटेन्स वगैरह बाहर का। और एक रूम ये भी है, मैं अंदर जाके देखता हूँ यार क्या हो गया, गेट क्यों नहीं खुल रहा। भाई रुको गेट खोलता हूँ, और वेट ये भी रूम है, और बेड के ऊपर ही टीवी लगी हुई है। भाई साहब कितना ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है भाई यहाँ पर, और साइड में पूल भी है, पूल तो मैंने देखा ही नहीं। भाई यार पूल वूल सब है यहाँ तो, भाई मतलब ये हमारे पुराने वाले घर से लाख गुना अच्छा, और यहाँ से माउचलियाड भी दिख रहा है। भाई साहब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मुझे नहीं लगता था कि प्रेसिडेंट इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और वेट ये पुलिस ऑफिसर का कॉल क्यों आ रहा है? अरे सर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, आप जल्दी हमारे पास आओ। क्या इमरजेंसी हो गई है? अरे सर वो प्रेसिडेंट अब नहीं रहे हमारे बीच। क्या भाई, अभी अभी तो प्रेसिडेंट को छोड़ कर आया था मैं, बट अब क्या हो गया? अरे प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो चुका है, वो भी पुलिस स्टेशन पास में ही। अच्छा अच्छा मैं आता हूँ बस अभी थोड़ी देर में। वेट गाइस यार क्या हो गया, प्रेसिडेंट अब नहीं रहे भाई। यार प्रेसिडेंट को अभी अच्छा खासा मैं छोड़ कर आया था, अभी अचानक से कैसे हो गया ये सब, और एक्सीडेंट कब हो गया? और वैसे भी कार तो ड्राइवर चलाता है ना यार, कार भी प्रेसिडेंट खुद चला रहे थे क्या? मुझे जाके देखना पड़ेगा भाई, अभी मेरे को फ़ोन पे कुछ भी समझ भी नहीं आया। बस ऑफिसर ने ये बोला कि तुम फटाफट से हमारे पास आ जाओ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो चुकी है, बस मैं वहाँ जाके देखता हूँ भाई क्या हो गया। भाई यार प्रेसिडेंट ने मेरे को अभी अभी इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, अभी अच्छे से बात भी कर रहे थे, और बस थोड़ा सा टाइम हुआ होगा, और अभी देखो क्या ही हो चुका है भाई उनके साथ। भाई साहब पुलिस स्टेशन के पास तो पहुंच चुका हूं, बट मेरे को अभी यहां पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं दिखा। वेट वेट वेट, सामने पुलिस की कार्स खड़ी हैं। ऑफिसर ऑफिसर क्या हो गया यहां पर? वेट मैं उतर के देखता हूं। भाई
यहाँ पर ट्रक पलटा डला हुआ है और प्रेसिडेंट की कार भी है यहाँ पर, और प्रेसिडेंट है क्या ये? वेट गाइस यार, सॉरी सॉरी भाई, प्रेसिडेंट का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। ऑफिसर ये कैसे हो गया? अरे सर हमें खुद नहीं पता, ये कार हमें टूटी मिली थी जब हम यहाँ से घूमकर जा रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है, बट अभी यहाँ पर ट्रक भी पड़ा हुआ है तो मेरे को लग रहा है कि ट्रक वाला ठोक कर भाग गया है। बट सर की कार बुलेट प्रूफ है और ब्लास्ट प्रूफ भी है, तो शायद से ट्रेन ने टक्कर दी है इसीलिए ये कार इतनी ज़्यादा टूटी है। बट यार ट्रेन कहाँ से आ सकती है यार? अरे हम भी यही सोच रहे हैं क्योंकि सामने तो ट्रेन के लिए रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। हाँ भाई इस यही तो बात है, बट अब जो होना था वो हो गया। मेरे को लग रहा है कि ट्रक वाले ने पहले तो ठोकी, फिर शायद से इसमें कुछ किया है कार में, और मेरे को अभी कॉल आ रहा है, रुको उठाने तो कौन है? अननोन भाई, अननोन नंबर का कॉल है। अरे तुमने बचा लिया क्या अपने प्रेसिडेंट को? भाई तू है कौन पहले ये बता। अरे मैं कौन हूँ वो तो छोड़, तूने बचा लिया क्या प्रेसिडेंट को ये बता। अरे भाई तू ना मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा कभी। क्या बात कर रहा है यार? अरे हाँ देख, अभी तो प्रेसिडेंट गया है बट अगली बारी मिलिट्री कर्नल की, और उसके बाद पीएम की, और चौथा नंबर है तेरा, तू बच के रहियो बेटा। क्या बात कर रहा है भाई तू, मेरे सामने तो फिर बताता हूँ तेरे को। अरे हम सामने नहीं आते, हम पीछे से ही वार करते हैं, समझा क्या? बस तू कर्नल को बचा ले कैसे भी, और पीएम को भी, हम देखते हैं तू कैसे बचाता है। अरे यार मेरे को पुलिस ऑफिसर बन के ही मिलिट्री बेस में जाना पड़ेगा यार, और कर्नल को बताना पड़ेगा कि उन पर अटैक होने वाला है, और भाई शायद से वो मेरी बात ना माने क्योंकि भाई मिलिट्री वाले ऐसे होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की बात मानते नहीं है, बट मैं एक चीफ बन चुका हूँ तो शायद से मेरी बात वो लोग मान ले। तो फटाफट से यार अपनी गाड़ियाँ बैठता हूँ और इनको यहीं पर छोड़ जाता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब प्रेसिडेंट को दोबारा नहीं बचा सकते क्योंकि भाई अब वो नहीं रहे। अभी मैं जाता हूँ मिलिट्री कर्नल के पास और उनसे सारी बातें करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खतरे में हो और सेफ रहो, किसी जगह छुप के रहो ताकि तुम पर अटैक ना हो सके। तो भाई मैं मिलिट्री बेस बस पहुँचने वाला हूँ, अपनी गाड़ी को फुल भगाऊंगा और सीधे कर्नल के पास ही जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं भाई गेट पर भी। और इतनी महंगी कार चीफ की हो सकती है तब वो मेरे को रोकेंगे भी नहीं। तो फटाफट से यार इनके बैरियर वगैरह तोड़ के चलता हूँ अंदर और देखता हूँ कि कर्नल कहाँ पर है। अगर यहीं पर नीचे घूम रहा होगा तो उसे बोल दूंगा कि किसी सेफ जगह जाके छुप जाओ या फिर किसी बंकर में जाके छुप जाओ, क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर बंकर तो होंगे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि बंकर ना हो। वैसे नॉर्मल लोगों को बताते नहीं ये लोग और ना ही मुझे बताएंगे, भले ही मैं पुलिस चीफ हूँ, बट कोई नहीं यार, मैं इनसे बोल तो दूंगा कि आप पर अटैक होने वाला है और हमारे प्रेसिडेंट अभी नहीं रहे, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ना छुप कर रहो। अब मैं ना यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जिधर मिलिट्री कर्नल बैठता है। ये टावर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके टॉप फ्लोर पर रहता है मिलिट्री कर्नल। ऑफिसर यहाँ पर मिलेंगे मिलिट्री कर्नल? अरे हाँ भाई, तुम क्यों आए हो? भाई मेरे को बात करनी है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, ऊपर है हमारे मिलिट्री कर्नल, आप जाके बात कर लो। ठीक है भाई मैं जाता हूँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने काम करो ना। अरे तो मिलो ना भाई। ठीक है भाई मैं चलता हूँ, मैंने बोला था ना ये आर्मी वाले ऐसे होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अकड़ते हैं। तो ये लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से चलता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लंबा है टावर, इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वेट, ये लिफ्ट ख़राब है भाई यार, मेरे को अब चढ़ के जाना पड़ेगा, मेरी हालत टाइट होने वाली है बहुत ज़्यादा। ये टावर बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, पूरा दिन हो जाएगा चढ़ते चढ़ते, फिर भी नहीं चढ़ पाऊँगा मैं यार। ये मिलिट्री कर्नल भी कैसी जगह रहता है। और यार कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मिलिट्री कर्नल भी बूढ़ा हो चुका है, उसे तकलीफ नहीं होती होगी चढ़ने में, क्योंकि लिफ्ट तो ख़राब है, आने का यही तरीका है बस एक। और भाई मिलिट्री कर्नल बोल रहा, सर गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे आना हुआ ऑफिसर? सर आपको एक बात बतानी है। अरे बोलो बोलो क्या बात बतानी है? सर वो आप पर ना बहुत बड़ा खतरा है, आपको कोई भी मार सकता है। आहा क्या बात कर रहे हो यार, तुम मिलिट्री बेस के अंदर खड़े हो, मेरी कितनी बड़ी फोर्स है और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। सर एक बात बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट वो हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी इसी बंदे ने मारा है जो कि मुझे धमकी दे रहा है आपको भी मारने की। अच्छा अच्छा, बट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, प्रेसिडेंट तो बाहर रहते हैं इसीलिए, बट मैं हूँ मिलिट्री बेस के अंदर और मेरे साथ बहुत बड़ी आर्मी है और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए और कहीं से भी आए ना, कहीं से भी। हमारे यहाँ रेडार वगैरह सब लगे हैं, चाहे ऊपर से आए या नीचे से आए हम देख लेंगे उसको। और मैं यहाँ ऑफिस में इसीलिए बैठता हूँ कि हम पर कोई हमला हो तो हमें पता चल जाए पहले से ही। ठीक है सर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, बट आपको झेलना पड़ेगा फिर।
हाँ ठीक है ऑफिसर, अब तुम जा सकते हो अपने पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन को संभालो, ठीक है ना, छोटे मोटे केस देखो। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। मैंने बोला ही था इस कर्नल से बोलने का कोई फायदा नहीं है भाई, इसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अभी मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन भाई, झेलेगा खुद ही। अब हमें क्या करना भाई? यार बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, मतलब अभी ना पीएम पे और खतरा है, मेरे को पीएम को भी जाके बताना पड़ेगा यार यही वाली बात। पीएम तो मेरी बात मान जाएगा क्योंकि यार पीएम की सिक्योरिटी करने वाले सिर्फ हम ही हैं पुलिस ऑफिसर्स, उनको आर्मी वाले नहीं बचाते बिल्कुल भी। तो आर्मी वाले तो यार अपने को खुद ही देख लेंगे, चाहे कर्नल बचे या ना बचे, बट सबसे पहले मेरे को पीएम को बचाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कि मिलिट्री कर्नल से पहले वो पीएम पर अटैक करे और मैं लेट हो जाऊं फिर दोबारा से। अरे ये मिलिट्री कर्नल कहाँ पर है, मेरे को दिख नहीं रहा, वैसे यहीं पर होता है। और ये क्या भाई साहब, हेडशॉट मार दिया। अबे मिलिट्री कर्नल नहीं रहा, मैं उसे फ़ोन करके बता देता हूँ, और मेरे पैसे तैयार चाहिए मुझे पूरे 50 करोड़, और उसने नहीं दिए तो मैं उसे बता दूंगा। मैंने भाई अपने कर्नल से गद्दारी की है और मुझे पैसे तो चाहिए, बस मैं अभी छुप जाता हूँ फटाफट से, नहीं तो अगर कोई मुझे देख लेगा ना तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अभी शायद पता नहीं चला होगा किसी को कि कर्नल अभी ख़त्म हो चुके हैं, बट अभी मेरे को यहीं से कूदना पड़ेगा यार। यार भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस भागता हूँ मैं, भागता हूँ भाई, और जैसे मुझे पैसे मिल जाएंगे ना मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगा, फिर मैं आर्मी वाला नहीं रहूँगा, मैं बड़ा सा घर खरीदूंगा और आराम से रहूँगा। बस मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। तो गाइस यार फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन, और भाई हमें पीएम के पास भी जाना है। और वेट, ये ऑफिसर को कॉल क्यों आ रहा है? ऑफिसर क्या बात है? अरे सर आप कहाँ पर हो? भाई मैं रास्ते में आया हूँ, बस पुलिस स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। अरे सर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, मिलिट्री कर्नल को किसी ने मार दिया। क्या बात कर रहे हैं भाई, अभी अभी मिलिट्री कर्नल से मिल के आ रहा हूँ, मिलिट्री बेस से निकला ही हूँ मैं। हाँ सर वही तो बात है, आप ना बहुत बुरे फंस चुके हो। क्या फंस चुका हूँ भाई? यार उसने फ़ोन काट दिया, मतलब यार कैसे फंस चुका हूँ मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं है। भाई साहब मैं समझ गया मेरे को यार फंसा दिया गया इस बंदे ने, उसने मेरे को इसीलिए बोला कि मैं मिलिट्री कर्नल के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, फिर वहां से लौट कर आऊंगा, तो शक होगा कि पुलिस ऑफिसर ने मिलिट्री कर्नल को शूट कर दिया। भाई अभी ना पूरी पुलिस मेरे पीछे लगने वाली है और पूरी आर्मी भी, तो भाई मेरे को छुपना पड़ेगा। बट सबसे पहले मैं जाता हूँ लेस्टर के पास और लेस्टर को सारी बातें बताता हूँ कि ये सीन हो चुका है। मैं अपनी कार को ना भाई साइड में छुपा देता हूँ, रोड पर पार्क नहीं करूँगा, नहीं तो इस कार के चक्कर में लेस्टर भी फंस सकता है। यहाँ पर पार्क कर देता हूँ भाई, इस घर में वैसे भी कोई नहीं रहता, सिर्फ वैसे ही खाली पड़ा हुआ है ये घर। तो अभी भाई फटाफट से लेस्टर के पास जाता हूँ। और भाई यार कितना बुरा हो गया मेरे साथ, मैं तो भाई सबकी हेल्प करना चाह रहा हूँ बट अभी ना मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वेट भाई कॉल आ रहा है अननोन नंबर से। वेट, अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया, तुमने बचा लिया क्या मिलिट्री कर्नल को? क्या तू मेरा नाम जानता है? अरे मैं ये भी जानता हूँ तू कहाँ रहता है, और ये भी जानता हूँ तू अभी कहाँ पर है। कहाँ पर है बता? अरे मैं नहीं बता सकता, बट अभी तो पीएम को बचा, पीएम की खबर कर, और अपने आप को बचा, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम दोनों का डी एंड होने वाला है। क्या बात कर रहा है भाई, तू हमारा डी एंड करेगा क्या? भाई तू एक बार को पीएम को मार सकता है बट मुझे नहीं। अरे वो तो देख लेंगे भाई, तू इन सबको बचा नहीं पाया तो अपने आप को क्या ही बचा पाएगा। भाई देख लेंगे, तू मिल तो सही भाई मेरे सामने आ, फिर बता दूँ तेरे को। यार फ़ोन काट दिया दोबारा से, यार ये बंदा मेरे को फालतू कॉल करता रहता है, आ तो नहीं रहा मेरे सामने। लेस्टर भाई, लेस्टर कहाँ पर है तू? वेट भाई, लेस्टर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, उस अननोन नंबर वाले ने मुझे ना लॉस एंड का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया है। अरे क्या हो गया, पहले शांत हो जाओ बताओ। भाई शांत हो जाओ बताओ क्या, मेरे ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग गए भाई, इन लोगों ने मेरे को फंसा दिया है कि मैंने प्रेसिडेंट को ख़त्म किया है, और सबसे बड़ी बात मैंने मिलिट्री कर्नल को भी शूट किया है। भाई ये बहुत ज़्यादा गलत है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इन्हें बचा नहीं गया था, बट अभी मेरे ऊपर बहुत सारे केस फाइल हो चुके हैं। अरे तो अब कुछ नहीं हो सकता, अभी तो मैं छुपना पड़ेगा बहुत दिनों के लिए। भाई तो मैं बंकर चाहिए मेरे को छुपने के लिए एक। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक बंकर है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो, एक महीने के लिए रह लोगे ना, फिर तुम्हारे ऊपर से सारे केस हट जाएंगे, और तुम अपना गेटअप भी चेंज कर लेना। ठीक है भाई मैं यही करूँगा। यार ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ, अच्छा खासा चीफ बना था बट कुछ दिनों बाद ही क्रिमिनल बन गया, यार ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बट कोई नहीं यार। तो गाइज यार वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।